अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तकिए कट और स्टिच करने का बहुत ही आसान सा मेथड शेयर करूंगी। तकिए सिलाई करने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, इसके चार तहों की चौड़ाई है 23 इंचेस और इसकी लंबाई है 30 इंचेस। तकिए कट करने के लिए आपने सबसे पहले कपड़े को सीधा सेम इसी तरह से फैला लेना है और दो तहों को उठा के 8 इंच आपने बैक जो है वो कर लेना है और यहाँ से आपने इसको कट करना है। साइड से कपड़ा कट करने के बाद जो मेरे पास तकिए की चौड़ाई आई है वो है 19 इंच। इसमें 1 इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। अब ये मैंने तकिए की दूसरी साइड 8 इंच कट की है। इस तरह से दो तकिए जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। तकिए की कटिंग करने के बाद आप जो साइड से पीस कट किया है इसको भी दरमियान से कट करके 19 इंच तकिए की चौड़ाई के बराबर दो पीसीस कट कर लिए हैं। यहाँ पे तकिए की कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको एक तकिया सिलाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने तकिए की बैक साइड और इसका जो एक्स्ट्रा पीस है उसकी एक साइड को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल पीस और तकिए की बैक साइड को सामने से फोल्ड करके सिलाई किया है। अब ये जो आपको सामने से तकिए का हिस्सा नज़र आ रहा है ये तकिए की बैक साइड है। आप फ्रंट साइड के ऊपर और बैक साइड के नीचे आपने इस पीस को रख कर तकिए के चारों तरफ जो है वो सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि जो बैक साइड है वो आधा इंच जो है वो पीछे है, उस पर आपने सिलाई नहीं लगानी। आप फ्रंट पर सिलाई करने के बाद अब मैं इसकी लंबाई वाले रुख पर सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आपने तकिए के चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो एंड होने वाली है और तकिया जो है वो सिलाई हो चुका है, तो अब मैं इसको सीधा करूँगी। तकिए के कवर को सीधा करने के बाद अब इसकी सिलाई में मज़ीद मजबूती लाने के लिए अब मैं इसको ऊपर से चारों तरफ से सिलाई करूँगी। तकिए की चारों तरफ से किनारी बनाने के बाद तकिया जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे तकिए को ऊपर से चारों तरफ से सिलाई करने के बाद तकिए की सिलाई का काम फिनिश हो चुका है। तो ये था पिलो कटिंग और स्टिचिंग का इजी सा मेथड। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।